हेलो लर्नर्स दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो स्पेशली बनाया गया है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टर्स के लिए एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए अब चाहे वो हमारे एंड्रॉड एप्लीकेशन डेवलपर्स हो आईओएस एप्लीकेशन डेवलपर्स हो या माइक्रोसॉफ्ट के जो मोबाइल होते हैं उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर्स हो ये वीडियो आप सभी के लिए बिकॉज सर हम जो मोबाइल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उनके इफेक्टिव और एफिशियंट होने के साथ साथ उनका सिक्योर होना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे क्लाइंट्स और उनसे जुड़े हुए कस्टमर्स का डेटा सेफ और सिक्योर रह सके सो आज हम देखने वाले हैं सर चाहे हमने एक एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाया हो एक आईओ डिवाइस के लिए ऐप बनाया हो या एक माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल के लिए ऐप बनाया गया हो इन तीनों को हम एक ऑटोमेशन टूल के जरिए कैसे टेस्ट करके ये कन्फर्म कर सकते हैं कि उनमें बेसिक वर्नबिलिटीज है या नहीं तो यहाँ पे हमारे काम आएगा स्टूडेंट्स मोबेस एफ नाम का टूल इसका फुल फॉर्म है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हर मोबाइल डिवाइस के सॉफ्टवेयर्स को ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करके हमें कंफर्म कर देता है कि क्या उनमें वेलेबिलिटीज है या नहीं सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उससे रिलेटेड जो एरर्स हमारे सामने आती है मैं उन्हें रिजोल्व करना आप लोगों को सिखा देता हूँ हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे विच इज पी आई पी इंस्टॉल मोबेसेफ मैं आप सभी को इजिएस्ट तरीका बता रहा हूं मोबाइल सेफ को इंस्टॉल करने का बाकी तरीकों में एरर्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं टूल के इंस्टॉल होने के वर्क ना करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आपको केवल एक कमांड लिखना है पीआईपी जो पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करता है और उसके आगे आपके मोबाइसेफ का नाम जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हो सकता है यहाँ कुछ एरर्स आ सकते हैं हम उन्हें भी रिजोल्व करना सीख लेंगे और अगर विदाउट एरर एर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब आपका मॉब एस का टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं सर मेरे सिस्टम में इस टूल का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है अगर मैं यहाँ पे कमान लिखता हूं मॉब एस तो हमारा टूल स्टार्ट हो जाएगा तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा टूल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और सर इसने हमें एक एड्रेस दिया है जिसके जरिए हम किसी भी एप्लीकेशन को एक इंटरफेस दिया जिसके जरिए हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी करा अपने ब्राउजर पे गए और यहाँ से एड्रेस को पेस्ट कर दिया तो आपके सामने एक यू आ जाएगा जहां पे आपसे एक एप्लीकेशन को अपलोड करने को कहा जाएगा एक फाइल अपलोड करने को कहा जाएगा जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं तो सर अगर आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं ये उसे ऑटोमेशन में कंप्लीट टेस्ट करेगा उससे जो भी डेटा इसको लगेगा अवेलेबिलीट जो भी दिखेगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा चाहे वो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो आईओस एप्लीकेशन हो या माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन ये इन तीनों ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और टेस्ट करता है लेकिन इनकेस सर अगर ये टूल वर्क नहीं करता है तो खास बात यह है कि मो बस एफ का एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है यानी अगर आप अपने ब्राउजर पर जाके मोबेसएफ लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका एक वेब एप्लीकेशन भी आ चुका है विच इज मॉबेस एफ डॉट लाइव अगर आप इस पर जाएंगे तो यहां भी आपको सेम एप्लीकेशन अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको सेम आउटपुट देगा आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा विदाउट टूल इंस्टॉलेशन और यह आपकी मदद कर सकता है एक सेफ और सिक्योर ऐप बनाने में या फिर ये टेस्ट करने में कि क्या आपके ऐप्स में बेसिक वेलेबिलिटीज तो नहीं है नो no डाउट उसके अलावा हमें ऐप पेनिट्रेशन टेस्टर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अच्छे लेवल पे टेस्टिंग करके हमारे ऐप को और भी ज्यादा सिक्योर बना सके लेकिन बेसिक टेस्टिंग के लिए हम ऑटोमेशन टूल्स पे डिपेंड हो सकते हैं तो यहाँ भी हमारे पास सेम इंटरफेस है हम यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को अपलोड करके इजिली टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं उम्मीद अलाना आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है जूम क्लासेस के जरिए ट्रेनर से लाइव इंटरक्ट करना चाहते हैं अपने डाउट्स एंड एर को कराना चाहते हैं और भी डिटेल में प्रैक्टिकल कंटेंट सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा आप उसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो